हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। जैसे कि दिवाली का पावन पर्व नजदीक आ रहा है, मैंने सोचा क्यों ना एक और अलग तरीके की चकली बनाई जाए। ये टेस्ट में तो काफी अच्छी होती है, साथ ही साथ इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अलग तरीके की काजू की चकली। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और जी हाँ, अपने पड़ोसियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं काजू की चकली। हमने यहाँ पे 35 से 40 काजू को पानी में 15 मिनट के लिए गला कर रखा है। अब काजू को हम मिक्सर जार में डाल देंगे, साथ ही साथ में हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना है और काजू का बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो काजू का बारीक पेस्ट तैयार हो चुका है, इसमें मोटे मोटे दाने बिल्कुल नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। तो पेस्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है, इसे कुछ मिनट के लिए हम साइड में रख लेंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। बाउल में हम 2 कप चावल का आटा डाल देंगे, साथ ही साथ इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 2 टेबलस्पून घी, अब हल्का सा नमक डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ मिला लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पे काजू का पेस्ट डाल लेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, और अच्छे से फिर से मिला लेंगे। हमने यहाँ पे काजू को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके सादा पानी डालते जाएंगे और हमें यहाँ पे एक आटा गूंदना है। जो डो हम तैयार करेंगे वो मुलायम होना चाहिए, वो कड़क नहीं होना चाहिए, ना मध्यम होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखिए, हमने डो गूंद के तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पे बहुत ही छोटा सा चकली के डिजाइन का प्लेट लिया है। हम यहाँ पे डो का मध्यम साइज ले लेंगे और यहाँ पे इसे रोल कर लेना है, और चकली के सांचे में हम डाल देंगे इसे, और चकली को हमें यहाँ पे बंद कर देना है। हमने यहाँ पे सिल्वर फॉइल ली है, तो इस फॉइल के ऊपर हम चकली बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अंदर से शुरू करते हुए बाहर ले जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सी चकली बन रही है। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक चकली बना ली है, इसी तरीके से हम बाकी की भी चकली बना लेंगे। हमने यहाँ पे एक छोटा सा बैच तैयार कर लिया है, तो अब हम इस चकली को तलेंगे। तेल यहाँ पे हमने धीमा और मध्यम के बीच में रखा है, हल्का सा धुआं आने लग गया है, तो हमें इस तरह से चकली को निकालना है। और हम तेल में अब डाल देंगे। हमें यहाँ पे चकली को सुनहरी होने तक तलना है, आप चाहो तो यहाँ पे लाइट ब्राउन भी कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे काजू की चकली सुनहरी हो चुकी है। अब इसे हम तेल से निकाल लेंगे और प्लेट पर रख देंगे, और इसी तरीके से हम बाकी की भी काजू की चकली तल लेंगे। तो सारे के सारे काजू की चकली हमने तल ली है, और इसका जो रंग है बहुत ही अच्छा सा आया है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो इसे हम तोड़ के देख लेते हैं। तो जी हाँ, देखिए, ये कुरकुरी सी बनी है, और अब हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आपने सुना ये कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी सी है, और इसका जो फ्लेवर है काजू का थोड़ा सा माइल्ड है। अगर आप चाहते हो कि काजू का फ्लेवर ज़्यादा आए तो आप थोड़े से और काजू डालिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये काजू की चकली की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस दिवाली में आप ज़रूर इसे बनाइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ वंडरफुल डे।